दोस्तों आज की ये कहानी है रमेश और सुरेश की। रमेश सुरेश दोनों डिसाइड करते हैं कि ओला ज्वाइन करें। दोनों एक साथ ओला ज्वाइन करते हैं, अपने अपने कैब से ड्राइविंग करना स्टार्ट करते हैं। रमेश की आदत ये थी कि हर वो कस्टमर के साथ वो अच्छा बिहेव करता था, अच्छे तरह से उनका ट्रिप एंड करता था और एक स्माइल के साथ हर एक कस्टमर को विदा करता था। पर सुरेश जो था वो उल्टा था, हर कस्टमर के साथ मिसबिहेव करता था, बदतमीजी करता था और हर जो कस्टमर रहते थे उससे निराश रहते थे, गुस्से में हर ट्रिप एंड होने के बाद उसे 1 स्टार रेटिंग देके निकल जाते थे। वहीं रमेश का रेटिंग बढ़ते जा रहा था क्योंकि रमेश किसी के साथ खिचखिच नहीं करता था। सुरेश क्या करता था, जब भी कोई कस्टमर ओला बुक करता था तो उसे कॉल करके पूछता था कि पेमेंट मेथड क्या है, जबकि ये डिसाइड करने का हक बस कस्टमर के पास होता है। कस्टमर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डिसाइड करेगा कि वो पेमेंट मेथड कैश करे या प्रीपेड या ऑनलाइन करे। सुरेश जबरदस्ती करता था सारे कस्टमर से कि पेमेंट मेथड सिर्फ कैश ही होना चाहिए वरना ट्रिप कैंसिल कर दूंगा, और वैसा ही होता था। न जाने कितनी बार सुरेश ने ट्रिप कैंसिल किया, लोगों से बदतमीजी की, जिसके वजह से कस्टमर एट द एंड गुस्सा हो जाते थे और उसे 1 स्टार देके निकलते थे। जबकि दूसरी तरफ रमेश को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कस्टमर ने पेमेंट मेथड क्या रखा है, वो बस अपना ड्यूटी निभाता था और एक स्माइल के साथ हर एक कस्टमर को विदा करता था। इस तरफ रमेश कुछ ही दिनों में उसका रेटिंग 4.8 टू 4.9 तक आ गया और दूसरी तरफ सुरेश का रेटिंग बहुत ही गंदी तरह से नीचे गिरा और वो 3.8 तक आ गया आउट ऑफ 5। इस वजह से क्या हुआ ना, ओला हमेशा अपने टॉप रेटेड ड्राइवर्स को ही प्रायोरिटी देता है, जिसका फायदा रमेश को मिला। दोनों ही एक ही लोकेशन पे खड़े रहते थे लेकिन सारे जो राइड आते थे वो रमेश को जाते थे। सुरेश गुस्सा हो गया कि भाई मैं तो साथ ही खड़ा रहता हूँ तेरा, और सामने वाला अगर कोई कस्टमर कैब बुक करता है तो तुझे ही क्यों ऑर्डर आता है, तुझे ही क्यों राइड मिलती है, मुझे क्यों नहीं। तो भाई साहब उसके पीछे यही रीजन है कि आपका रेटिंग गिरा हुआ है। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। आप एक प्रोड्यूसर हो फिल्म के और आपके सामने दो एक्टर है, एक जगह सलमान खान है और एक जगह उदय चोपड़ा है, तो आप किसे चूज करोगे? डेफिनेटली आप सलमान खान ही चूज करोगे क्योंकि आपको पता है सलमान खान मतलब ब्लॉकबस्टर गारंटीड। अब उदय चोपड़ा के साथ तो आप नहीं जाओगे। ठीक उसी तरह रमेश ओला के लिए सलमान खान है और सुरेश जिसका रेटिंग ऑलरेडी डाउन हुआ है वो उदय चोपड़ा है, तो ओला बिजनेस किसको देगा? ऑब्वियसली रमेश को देगा जो सलमान खान है और उसका रेटिंग हाई है, मतलब उससे जो भी ट्रिप लेगा, जो भी कस्टमर राइड करेंगे रमेश के साथ वो खुश होंगे। उसके वजह से क्या होगा, ओला का इमेज भी बढ़ेगा, रेटिंग भी बढ़ेगा। अब सुरेश को बस उसी कंडीशन में राइड मिलने लगी जब आसपास कोई भी टॉप रेटेड कैब राइडर ना हो, तो ही इस बंदे को राइड मिलने लगा। जहां दिन में रमेश अब हजारों में कमाने लगा था, सुरेश बस कुछ चंद रुपयों के लिए तड़पता रहा दिन भर, जिसका जिम्मेदार खुद सुरेश था। कस्टमर के साथ मिसबिहेव करके, उनको पेमेंट मेथड जबरदस्ती चेंज करवाने के लिए फोर्स करके, ये सब करके सुरेश ने अपने ही पैरों में कुराड़ी मार दी थी। वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है। हमें भी कोई सुरेश जैसा बंदा मिल गया था लास्ट वीक। हमने राइड यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक किया था बुक। जैसे ही ट्रिप एंड हुआ, सुरेश को पता चलता है कि सिद्धि ने तो पेमेंट मेथड ऑनलाइन रखा है जबकि उससे तो कैश चाहिए था। फिर सुरेश हम पे गुस्सा हो गया और बोला कि प्रीपेड या ऑनलाइन पेमेंट से अच्छा है तुम पैसे मत ही दो, हम चकरा गए। भाई पेमेंट तो हम दे ही रहे हैं, एनीहाउ तुम्हारे पास तो पहुंच ही रहा है, फिर ये मना क्यों कर रहा है। जब हमने रीजन पूछा तो बंदे ने, सुरेश ने बताया कि भाई जो भी प्रीपेड या ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसका पेमेंट 7 दिन बाद मिलता है, भला ये भी कोई रीजन है क्या? चलो मान भी लिया आज हमने जो राइड किया आपके साथ, उसका पेमेंट आपको 7 दिन बाद आपके अकाउंट में आएगा। तो भाई साहब आज से ठीक 7 दिन पहले जो आपने बिजनेस किया था उसका पैसा तो आज ही आएगा ना आपके अकाउंट में। अगर आएगा आपके अकाउंट में, आपके पास तो एटीएम कार्ड होगा, एटीएम कार्ड है तो किसी एटीएम से जाओ, पैसे निकालो, फिर अपने खर्चे करो, अपना पेट्रोल भरो। इतने भी बुद्धू नहीं है हम। और ऐसे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने कहा कि उनको भी ऐसे सुरेश जैसे बहुत बंदे मिलते हैं जो डेली ट्रिप खत्म होते ही उनसे एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप सीधा उनको डिनाई कर सकते हो अगर कोई आपसे जबरदस्ती करे तो। हाँ हम हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा होता है, हम कभी कभी किसी ड्राइवर पे खुश होके अपनी तरफ से दे देते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड है। पर कोई आपसे जबरदस्ती मांगे तो उसको सीधा मना करना है। जब तक आप बिहेवियर अपना सही नहीं करोगे कस्टमर खुश नहीं रहेगा। अगर कस्टमर खुश नहीं रहा तो आपके रेटिंग वो गिराएगा, रेटिंग गिरा तो आपका बिजनेस भी गिरेगा। बहुत ऐसे ड्राइवर लोग हैं जो हल्के में लेते हैं अपना रेटिंग को। भाई साहब ये रेटिंग ही आपका बिजनेस डिसाइड करता है, तो हर एक कस्टमर को खुश करके छोड़िए ताकि जाते वक्त तो आपको 5 स्टार दें, तब जाके आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे ही बैठते रहोगे और आपके सामने वाले आपके सामने बिजनेस करते निकल जाएंगे।
कभी कभी आप सोचते हो ना कि मैं तो पास में हूँ इस कस्टमर के, फिर वो 2 किलोमीटर दूर से कैब आके इसको क्यों ले रहा है, मैं सामने हूँ मेरा क्यों राइड नहीं आ रहा है। सब रेटिंग का खेल है बंधु। उस बंदे का रेटिंग चेक करना 4.5 से 4.89 के अंदर ही रहेगा, जबकि आपका 4.5 से नीचे होगा। तो अगली बार किसी दूसरे को गाली देने के बजाय अपना रेटिंग सुधारिए। रेटिंग कब सुधरेगा? जब आपका कस्टमर आपसे खुश होकर आपको 5 स्टार देगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं अभी इतने मैसेजेस से मैं पढ़ नहीं सकता। आई होप ये वीडियो देखने के बाद सब अब से रेटिंग सुधारने में ध्यान दोगे और कस्टमर के साथ भूल से जबरदस्ती मत करना भाई। पेमेंट मेथड के लिए खास करके कभी मत करना, क्योंकि पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। ड्राइवर डिसाइड नहीं करेगा कि आपका पेमेंट मेथड कैश होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। एज ए कस्टमर जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ड्राइवर हमसे अच्छा बिहेव करे, तो हम कस्टमर लोगों का भी कुछ कर्तव्य रहता है कि हम अपने ड्राइवर के साथ मिसबिहेव ना करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं एड़े तेड़े कस्टमर भी आते हैं जो ड्राइवर को हैरेस करते हैं, तो वो भी गलत बात है, वो हमारी एंड से हमें वो रोकना है। और मैं ओला के मैनेजमेंट से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ अपने ड्राइवर लोगों के ख्याल रखिए, उनका प्रॉब्लम जो आ रहा है वो फेस कर रहे हैं वो लोग, उनको एड्रेस करिए। आइदर वो कमीशन रिलेटेड हो या पेमेंट मेथड रिलेटेड हो, तो उनमें डिसाइड करिए कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्योंकि जब तक आप उन्हें खुश नहीं रखोगे, एट द एंड कस्टमर भी खुश नहीं होने वाला। सो गाइज, कभी आपने भी ये इशू फेस किए हैं ओला उबर राइड के दौरान, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, या फिर और कोई इससे ज़्यादा आपको इशू फेस हुआ है तो वो भी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ही देखे और सबको पता चले कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है किसके एंड से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज। अगर आया है तो एक थम्स अप बनता है, कमेंट करना ज़रूर। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके साथ और क्या क्या ऐसे इश्यूज हुए हैं। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे पिछले कुछ मंथ के डिटेल्स हैं। मैंने 10 बार ओला बुक किया था, उसमें से 8 बार कैंसिल हो गया, 8 में से 6 बार ड्राइवर ने अपने एंड से कैंसिल किया, और बाकी 2 बार उन्होंने मुझे धमकाया और हमारे एंड से कैंसिल करवाया, जिसकी वजह से मुझे चार्जेस भी लगे हैं। तो गाइज, यही है ओला की रियलिटी। आपके 10 में से 8 बार ट्रिप कैंसिल होना तो पक्का ही है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मेरे साथ जो हादसा हुआ मैंने वो एक्सपीरियंस किया, तो मैंने लगा कि पूछूं आप सबसे।